हेलो, दिस इज चिराग एंड वेलकम टू वेनी डॉट इवेंट्स। वेनी डॉट इवेंट्स एक ऐसी वेबसाइट है जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है। एंड इन फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे वेन्यूज के हॉल साइज, सीटिंग स्टाइल, सीटिंग कैपेसिटी विद इन 30 सेकेंड्स विदाउट एनी ह्यूमन इंट्रैक्शन। सो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज कभी ना मिस कर सके। Thank you, Venue.Events, the channel, for today having this interview with the stalwarts of the industry, particularly from the Rajasthan. And today we are very, very lucky that today we have Mr. Kuldeep Singh Chandela, who is the FHTR president as well as the RETM. मैं कुलदीप जी आपसे दो तीन सवाल ऐसे करना चाहता हूँ जो बड़े ही अच्छा हमें इस बार फील हुआ और एक लाइक कहते हैं ना कि अपग्रेडेशन ऑफ द RETM। आपके इतने एफर्ट्स, आपकी टीम के इतने एफर्ट्स जो हुए हैं RETM को इतना एक लेवल पे लाने के लिए, उसके पीछे क्या राज है? जब किसी मंजिल की नींव मजबूत होती है ना सर, तो उसके ऊपर आप कितनी भी ऊपर छतें चढ़ा दें, मंजिलें बना लें, वो इजी बन जाती हैं। FHTR की नींव बहुत मजबूत है क्योंकि इसमें स्टारबोर्ड्स लाइक भीम सिंह जी साहब और रणधीर विक्रम सिंह जी मंडावा, जो अब नहीं रहे हमारे आदरणीय, अपूर कुमार जी एंड ज्ञान प्रकाश जी, सुनील गुप्ता जी, मोहन सिंह जी, खालिद खान जी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने, वीरेंद्र सिंह जी, जिन लोगों ने इसको बनाया, अजय अग्रवाल जी, सब, और हम लोग सब उसके फाउंडिंग मेंबर हैं। जो इसकी जो नींव थी वो बहुत मजबूत है और एक विचार से हम चले कि प्रमोशन टूरिज़्म का करना है, राजस्थान में टूरिज़्म बढ़ाना है। जब हमारे कोई इंडिविजुअल मोटिव्स नहीं है उसके अंदर, किसी की कोई एक ही दिशा के ऊपर हम चल रहे हैं जब से शुरू हुआ है FHTR तब से, और ये चौथा संस्करण हम कर रहे हैं RETM का, कोविड के टाइम नहीं कर पाए थे। और इसकी वजह यही है सफलता की कि एक टीम मजबूत है हमारी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर हमने सबको ले रखा है। FHTR इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर टूरिज्म इन राजस्थान। हर छोटी एसोसिएशन स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, चाहे टूर ऑपरेटर की हो, चाहे होटेलियर्स की हो, चाहे रेस्टोरेंट वालों की हो, चाहे टैक्सी की हो, जो भी है, गाइड्स की हो, सब हमारे साथ हैं और हमने सबको साथ लेके चले। हमने एक चीज़ किया था कि जब मैं HRAR प्रेसिडेंट था, होटल रेस्टोरेंट ऑफ राजस्थान का, तब मैंने नोटिस किया था कि हम सरकार के पास जो प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं वो हर एसोसिएशन लेके आ रही है। प्रॉब्लम्स करीब करीब सबकी एक ही होती है, उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सरकार भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती थी, भाई तुम तो ये कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तुम 5 साल के लिए मांग रहे हो, 3 साल के लिए मांग रहे हो, तुम ये कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो, प्रॉब्लम वही है। एक दिन फिर मैंने सबको बिठाया जब मैं FHTR में बना, मैंने कहा भाई अब सब जने साथ आ जाओ, अलग अलग घोड़े दौड़ने का फायदा नहीं होगा, सब घोड़े अपने एक साथ एक दिशा में दौड़ाने हैं, इसलिए हम एक लेटर लिखेंगे, सबके लेटर हेड पर हो जाएगा, हर एसोसिएशन का अपना वजूद कायम रहेगा और हम लेके और सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस एफर्ट को सरकार ने अप्रिशिएट किया और उसका नतीजा ये है कि सरकार ने घोषणा करी है कि इसी महीने हो सकता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ही हमारी RTUP राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 आ जाएगी। यूनिट पॉलिसी जो है राजस्थान की 2006 की बनी हुई है, 7 में हुई, फिर 10 में हुई, फिर 15 में हुई, रिवाइज होती गई, मतलब एक्सटेंड होती रही, रिवीजन नहीं हुआ उसके अंदर। फिर हमने सरकार को बोला समय आ गया कि जब हमने एम्बेसडर गाड़ी से टूरिज्म शुरू किया था, आज मर्सिडीज़ पे पहुंच गए हैं, प्राइवेट जेट्स पे पहुंच गए, इसी तरीके से टूरिज्म पॉलिसी का भी नवीनीकरण बहुत आवश्यक है। तो उसके ऊपर हमने प्रयास किए, हमने नए नए विचार दिए, क्या है कि टूरिज्म फैलता जा रहा है। आज आपकी होटल कहीं जंगल के पास है तो वहाँ फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है, right. आपकी होटल कहीं गांव के वहाँ है तो वहाँ पंचायत की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स को हमने सुना, समझा, लिखा और उनका समाधान के साथ सरकार के सामने प्रस्तुत किया। उसी के बदौलत रूरल टूरिज्म पॉलिसी बनी, उसी की बदौलत हमारे जो फिल्म यूनिट पॉलिसी जो बनी है, फिल्म के ऊपर सरकार ने 2 करोड़ का इंसेंटिव भी दिया है, तो राजस्थान में फिल्में भी आने लगी है। रूरल टूरिज़्म में आप देखिए गांव-गांव में विकास हो रहा है और आप सब अपने अपने एरिया के गांव के ठाकुर साहब के बच्चे हैं, आप लोगों ने अपने पैलेसेस जो हैं, हवेलियाँ जो होटल्स में कन्वर्ट करी है, तो उससे गांव में लोगों को रोज़गार मिला है, गांव से जो शहर की तरफ पलायन हो रहा है उस पर कंट्रोल हुआ है। और रूरल टूरिज्म पॉलिसी जैसे जैसे इंप्लीमेंट होती जाएगी, जैसे नए नए लोग आते जाएंगे तो उससे पलायन रुकेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि सबसे ज़्यादा आदमी पिटता कब था, गर्ग में भी जब महीने के अंदर बिजली का बिल आता तो परेशान हो जाते ना, इस बार 10,000 आ गया, पिछली बार तो 8,000 था। राइट, सरकार से हमने निवेदन किया सब कि हम एक उद्योग हैं, आप हमें उद्योग का दर्जा दीजिए और उद्योग की सुविधाएं दीजिए। सरकार ने, पिछली सरकार ने हमारे सुना, हमको उद्योग का दर्जा मिला, उद्योग की सुविधाएं मिली। आज हर होटेलियर कुछ हज़ार, बड़ी होटलें कुछ लाख रुपए महीने का उस पर बचा रही है। जब वो पैसा वहाँ बचा पा रही है तो उस पैसे को अपने वापस होटल के अपग्रेडेशन में लगा रही है, तो प्रोजेक्ट भी अपग्रेड हो रहा है, तो उस वजह से लोग आ भी रहे हैं और इसी तरह से राजस्थान पनप रहा है।
बहुत अच्छा आपने बोला कि जिस तरह से क्या उसका रीजंस हैं कि किस तरह से आप बढ़ रहे हैं। और हम आज से, मेरे को याद है कि 5-7 साल पहले और 10 साल पहले हमेशा यही सुनते थे, GITB कब आ रहा है, GITB कब आ रहा है, GITB कब आ रहा है। लेकिन आप लोगों के एफर्ट से अब ये RDTM हो गया। अब GITB को इसने, मेरे ख्याल से, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से जो फुटफॉल है जो GITB का, वो इतना नहीं है जितना कि RDTM का हो गया है। और आज हम देख रहे हैं कि फुटफॉल आपका जो है वो आपके एफर्ट से हुआ था। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो माइस और वेडिंग्स जो है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और राजस्थान नंबर वन है उसमें। राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, या कुछ ऐसे जो और फुटफॉल्स हैं, जो वो तो तमिलनाडु वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे तिरुपति वगैरह की वजह से ज़्यादा फुटफॉल्स हैं। लेकिन अगर बिजनेस के माध्यम से अगर हम देखें तो माइस और वेडिंग्स इतना बड़ा सेगमेंट है, जो राजस्थान को, राजस्थान ने अपने आप को एक लीडर बनाया हुआ है इस टाइम। और आपसे एक, मेरे से एक बड़ी, एक अच्छी चीज़ भी मैंने आपसे सीखी कि हम हमेशा माइस माइस कर देते रहे, नाउ वी विल टॉक एज ए वाइस। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने आपसे सीखी, जो मैं अभी लास्ट वीक ही, अभी 3 दिन पहले ही वहीं पे था, और माइस के एक पैनल के अंदर मैंने ये बात बोली जब, तो लोगों ने तालियां बजाई वेरी नाइस कि आपने तो नई चीज़ के, मैं कहा मेरा ये नहीं है पनपना, ये हमारे कुलदीप सिंह जी हैं जिन्होंने ये बात की है, और बड़ी एक अच्छी बात की है। हम सबको पता है कि वेडिंग्स हमारे जो देश के अंदर ऑलमोस्ट अबाउट 10 मिलियन से ज़्यादा वेडिंग्स हर साल होती हैं बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड आवर पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट 67% इज़ ए वेरी यंग पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट फॉर बिलो 35 ईयर्स। पता नहीं आप लोगों को कितना पता नहीं, ये फिगर्स हैं हमारी यहाँ पे WTCC। तो जिस वजह से वेडिंग्स बहुत अच्छा हो रहा है, और आपने जो बात की आज, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की कि वेड इन इंडिया, और उसके ऊपर आपने एक नई चीज़ बना दी वाइस। अब मेरे ख्याल से लोग माइस से वाइस की तरफ ज़्यादा आना चाहते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये जो अगला सवाल है कि वेडिंग को आप कितना ऊंचा ले जाएंगे और किस तरह से करेंगे ताकि लोग कहें कि इफ़ वी वांट टू हैव ए वेडिंग देन वी हैव टू ओनली चूज राजस्थान एज ए डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पे इतने पैलेसेस हैं, होटल्स इतने अच्छे हैं, वेन्यूज बड़े बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार देखा जाता है पैलेसेस वगैरह में जब हम कोई शादी करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, अगर हम फाइनेंस के मैटर से देखें। कुछ शादियाँ हमारी आज की तारीख में भी जो हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के पास जा रही हैं, जैसे अगर हम बात करें अपना दुबई के अंदर जा रही हैं, थाईलैंड के अंदर जा रही हैं, हांगकॉन्ग के अंदर, टर्की के अंदर बहुत शादी जा रही हैं। तो इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को वो कर सकते हैं? और इसमें छोटा सा मैं ऐड करूँ, खन्ना साहब ने जो बोला है कि वेडिंग्स का जो सेगमेंट है इंडिया से बाहर जा रहा है बिकॉज यहाँ पे लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आई एम अ वेडिंग प्लानर, थाईलैंड टूरिज्म और डिफरेंट टूरिज्म बोर्ड्स हमको इंसेंटिव देते हैं, आप वेडिंग हमारे कंट्री में लेके आइए तो हम आपको इंसेंटिव करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो क्योंकि आवर स्टेट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन गिविंग इंडस्ट्री स्टेटस, तो मे बी इन द लॉन्ग टर्म यू कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू हैव अ वेडिंग पॉलिसी कि आप हमारे स्टेट में वेडिंग करिए। अभी फिल्म टूरिज्म के ऊपर 2 करोड़ का मैं आपको बता दूं के अंदर सर, लास्ट इसमें करूंगा फिर कलेक्टिवली आंसर के लिए। एक सर, अपने पास इतने अच्छे पैलेसेस, इतने ब्यूटीफुल पैलेसेस हैं, मेरे पास इतनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है कि लड़कियों की स्पेशल जिनकी शादी हो रही है, भैया हमारी ना वेडिंग पैलेस में करा दो। आर्कियोलॉजी के अंडर आती है अंडरस्टैंड, बट आई एम श्योर इनके पास भी कुछ छोटा सा एरिया अलग से होता होगा जो वो हमको दे सकते हैं वेडिंग प्लानर्स को, सो दैट वी कैन हायर दैट प्लेस एंड डू अ स्मॉल वेडिंग। तो प्लीज आप सारे इकट्ठे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, आपने GITB का जिक्र किया था, GITB और RTDM को कंपेयर किया था आपने। GITB में भी वही टीम काम कर रही है जो RTDM में कर रही है। अच्छा, हम लोग ही GITB से देवबंद से जुड़े हुए हैं 13-14 साल से, और GITB को उस लेवल पे ले जाने के फिक्की के साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। GITB का अपना अलग प्लेटफॉर्म है, उनका एक पर्पज़ अलग है, RTDM का पर्पज़ अलग है। GITB जो है वो इनबाउंड टूरिज्म के लिए, RTDM डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, और ये दोनों का समन्वय करना बहुत जरूरी है। कई होटल्स होती थी जो पहले अंग्रेजों को ही देखती थी, हिंदुस्तानियों को, डोमेस्टिक को देखती नहीं थी। मैं वही बात कर रहा था। और कई होटल्स हैं वो अंग्रेजों को नहीं चाहते थे, वो देशी को चाहते थे। कोविड ने सबकी आंखें खोल दी, सबको समझा दिया भैया व्यक्ति का रंग, समाज, जाति पे मत जाओ, हर चीज एक है, मानवता पे जाओ। जो यहाँ आ रहा है उसको आप देवता कितनी पूरे, हमारे पूर्वजों ने कहा ना अतिथि देवो भव, अतिथि भव, अतिथि। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका वाला अतिथि होगा या दुबई वाला होगा या हिंदुस्तान वाला होगा, उन्होंने तो अतिथि कंबाइंड किया था। तो अतिथि देवो भव की थीम जो राजस्थान का भी स्लोगन है उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। GITB का अपना अलग नज़रिया है, हमारा एक अलग नज़रिया है, और GITB भी
हर साल बढ़ोतरी की तरफ गया है और हम भी बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं डोमेस्टिक में। वेडिंग्स का जहाँ तक आता है, वेडिंग्स राजस्थान का एक प्रमुख बिजनेस बन गया है, बट हम नहीं चाहते कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर तक वेडिंग सीमित रह जाए और ये इवेंट सिटीज़ बन जाए। हम चाहते हैं टूरिज्म भी जिंदा रहे। हाँ, इसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि जो क्षेत्र हैं, जो 100 आइलैंड का एरिया है आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस एरिया को डेवलप किया जाए। उसकी जो गुजरात और मध्य प्रदेश से प्रॉक्सिमिटी है, अच्छी रोड्स हैं, लोग वहाँ से वहाँ शादियाँ करने आएंगे। आपका बीकानेर एरिया है, वहाँ इतनी अच्छे पैलेसेज हैं, होटल्स हैं, उसको डेवलप किया जाए। बीकानेर आज तक जब तक ये एक वन नाइट डेस्टिनेशन था, ट्रांजिट डेस्टिनेशन था, इसको टू नाइट डेस्टिनेशन किया। हाड़ौती रीजन पूरा तैयार हो, और हाड़ौती में अभी जो बूंदी में जो पैलेसेज वगैरह जो हैं अब महाराज अलवर के पास आ गए हैं, तो उनके जो सन है युवराज साहब, मैं मिला था उनसे, मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, और उनका एक विजन है, वो बूंदी को तैयार करने में लगे हैं, अलवर के जो पैलेसेज उनको तैयार करने में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसलिए मैं जो यूथ है हमारा, इनको मैं हमारा भविष्य कहता हूँ। अभी मैं यंगस्टर्स का इंटरव्यू ले रहा था, मैं उनसे यही कहा, मैंने कहा आप हमारा भविष्य हो, आप क्या सोचते हो कि भविष्य पर्यटन का क्या होना चाहिए। मैंने भी अपने जब उदयपुर में होटल बनाई तो मैंने ढांचा खड़ा करके अपने बच्चों को दे दिया। मैंने कहा कि कल को मैं तैयार करूंगा तो आपके फादर तो ओल्ड टाइमर है, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, हमको नया करना है। मैंने कहा आप अपने हिसाब से तैयार करो, आगे तुमको जाना है। अच्छी बात। तो जब तक हम हमारे यूथ को जिम्मेदारी नहीं देंगे और यूथ को दबाए रखेंगे, यूथ पनप नहीं पाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा। और ये बच्चे विदेशों में पढ़े हैं, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़े, विदेशों में पढ़ने के बाद आप इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़े हैं, आप पढ़े विदेशों से पढ़ने के बाद आप लोग वापस इंडिया आए, इंडिया के अपना बिजनेस संभालें, ये बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना ब्रेन, अपनी बुद्धिमत्ता विदेशों को नहीं सौंपी, वहाँ से ज्ञान लेके आए और यहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। और इसीलिए राजस्थान पनप रहा, क्योंकि राजस्थान के 90% बच्चे जो हैं जो विदेशों में पढ़े वो वापस राजस्थान ही आ रहे हैं और अपने पेरेंटल बिजनेस का ध्यान रख रहे हैं। उससे क्या होगा कि पेरेंट्स को भी मजबूती मिलती है। राइट, करेक्ट। बुढ़ापा हर एक का आता है सर। हाँ, बुढ़ापे में अगर आपकी औलाद आपके साथ खड़ी है, उससे सुंदर बात क्या हो सकती है सर। बिल्कुल, है ना सर। तो वेडिंग के ऊपर जहाँ तक है सर, जो हमने वाइस, जो आपने जो बताया, ये मीटिंग हम कर रहे थे, हमने कहा यार माइस बहुत हो गया, इसको वाइस बना दो, वेडिंग कर दो। मीटिंग तो वेडिंग में भी हो जाएगी, है ना, लेकिन मीटिंग में वेडिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो हम यही करते हैं। तो हमने इसको जब चेंज किया, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी आया। और आपको खुशी होगी जान के सर कि जो हमने इस बार वेडिंग थीम में RTDM किया है, 3 होटलर से मिल चुका है, हमें 3 को एक एक वेडिंग मिल चुकी है और अच्छी वेडिंग मिल चुकी है इसी RTDM में। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या सकता है सर। अभिजीत जी, आप जो हैं, जैसे अभी बहुत अच्छे इन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, जो ऐसे बूंदी जो है एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत पैलेसेस हैं, सब कुछ हैं, और वहाँ पे जो है आप लोग बीइंग यंगस्टर्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका माइस और वेडिंग्स के ऊपर क्या एक तवज्जो है जिसको हम कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा एक पैलेसेस को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरह से आप इंडिया मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह से आप अपने आपको मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, मैं आज आपको पहली बार मिला, ठीक है, एज ए वेडिंग प्लानर, एज ए माइस कंपनी आल्सो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप एज ए पैलेसेस में आपके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपके क्या एक फाइनेंशियल जो हैं स्ट्रेटजीज हैं, टैक्स स्ट्रक्चर आपका क्या है। तो जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात की कि देखो ये नए आने वाले जो जनरेशन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और विदेशों से पढ़ने के बाद आके इन्होंने अपने ही जो स्टेट को, राज्य को, अपने रीजन को प्रमोट करना चाहा। तो आप क्या कहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा RTDM का और RTDM की पूरी टीम, कुलदीप जी यहाँ विराजे हैं और जो पूरी टीम है, और इन्होंने ये जो मुकाम को इतना आगे पहुंचाया है उसके लिए RTDM का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो मेरा होटल है वो हाड़ौती पैलेस बूंदी है। बूंदी में हमने एक बहुत बड़ा रिस्क 2008 में लिया था, और मेरे को मेरे पिताजी ने एक मैरिज गार्डन दिया था जहाँ पे केवल एक लॉन था, और उस समय मैं मर्सिडीज़ कंपनी में काम कर रहा था। मैंने मेरी मार्केटिंग IMI दिल्ली से करी थी, एंड मुझे बोला गया कि यहाँ पे होटल बना रहा हूँ मैं। मैंने फिर उनको कहा कि अब होटल मैं ही बनाऊंगा, तो मैंने ही नींव से लेकर अभी तक होटल को चलाया। और मेरे पिताजी से अगर आप पूछोगे कि कितने कमरे हैं होटल में, तो बोल देंगे 40-50 कमरे हैं। तो इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड एंड वी टुक इट अहेड। वेरी नाइस, वेरी गुड। और मुझे दूसरा जो शौक है वो है विंटेज कार्स का। मैं एक विंटेज कार्स कलेक्ट करता हूँ। मैं राजस्थान के अंदर जो हमारा एसोसिएशन है उसका सचिव भी हूँ। ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया कि मेरे को मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का बहुत शौक है। और जो बात आई GITB और RTDM की,
तो उसको अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इनबाउंड जो विंटेज कार बेचते हैं उनको भी आप रोक देते हो। कुलदीप जी कुछ दिन पहले मुझे कह रहे थे मुझे अपनी विंटेज कार बेचनी है, मैंने बोला जितना लोग सेल्फी लेके आपके रेस्टोरेंट के सामने इस कार का फोटो खिंचा रहे उतना आपको कमा के दे रही है हर साल, तो उसको नहीं बेचे। ऐसी कंट्रीज में इतने बढ़िया बढ़िया म्यूजियम्स बने हुए, म्यूजियम्स बने हुए हैं। मेरे होटल के अंदर भी एक छोटा सा विंटेज कार म्यूजियम है। ठकराल साहब को आप जानते होंगे, मेरे उन्होंने भी अपना यहाँ पे तरुण साहब के आगे, हाँ जी हाँ जी, तरुण जी और मैं एक हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया है उसके फाउंडर मेंबर्स हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, सो आई एम स्टिल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर। वेरी गुड। तो मोटरसाइकिल का मैंने नाम इसलिए लिया कि आरडीटीएम और जीआईटीबी मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं, उन दोनों को आपको साथ रखना पड़ेगा। वेरी गुड। कारण यह है कि अगर एक पहिया हटा दो डोमेस्टिक में, अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करो केवल इनबाउंड पे करो, या अदर वे अराउंड सिर्फ इनबाउंड पे करो डोमेस्टिक पे नहीं करो, तो आपकी मोटरसाइकिल आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और हमें तो बहुत खुशी है कि जीआईटीबी और आरडीटीएम दोनों के दोनों जयपुर में ही हो रहे हैं, राजस्थान में ही हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे मंत्री रहे हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, प्रिंसेस दिया भी कल यहाँ पधारे थे, उन सब का भी जो लगाव है और ये जो मौका है, हम डिस्कस कर रहे थे दो चार दिन पहले ही कुलदीप सिंह जी और मैं कि ये जो मौका है जहाँ पे गजेंद्र सिंह जी एंड प्रिंसेस दिया दोनों के दोनों टूरिज्म में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एंड दोनों ही राजस्थान से हैं, तो ऐसा मौका राजस्थान को कभी मिलेगा नहीं। एंड मुझे पूरा विश्वास है जो जो दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं रही है, ये भी सच्चाई है, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से भी हमारे को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है जिसके अंदर वो मेक इन इंडिया, वेडिंग्स इन इंडिया, और जो जो नया टॉपिक आया है वाइस, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, वेडिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो राजस्थान में हो रही हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर राजस्थान टूरिज्म एंड डोमेस्टिक एंड इनबाउंड दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और बताऊंगा आपको। इस बार मैं अपना मेन्यू प्लानिंग कर रहा था, जो हमारा मेन्यू चेंज कर रहा था, तो जनरली हमारे मेन्यू में सब कुछ मिक्स था कि अगर कॉन्टिनेंटल पे जाओ, इंडियन में जाओ, तो पनीर भी आ रही है, उसके लिए चिकन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। फिर मैंने ध्यान दिया कि देखो डोमेस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें जो ग्रीन डॉट एंड ऑरेंज डॉट आता है उसको हमने अलग किया। इंडियन कॉन्टिनेंटल के अंदर, इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल के अंदर वेज एंड नॉन वेज के हमने अलग पेजेस बना दिए, सो दैट डोमेस्टिक क्लाइंट जो वेजिटेरियन है दे डू नॉट गेट ऑफेंडेड लुकिंग एट द नॉन वेज थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी चेंज करनी पड़ती है। पहले हमारे होटल में सिस्टम था कि 10 o'clock लास्ट ऑर्डर, लेकिन डोमेस्टिक क्लाइंट पर अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो यू विल हैव टू सर्व डिनर लेट। लॉट ऑफ चेंजेस भी करने पड़ते हैं आपको, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। मैं थोड़ा सा, मेरा जो एक और थोड़ा सा आपके साथ वो क्वेश्चन था कि आपको जो जैसे, हालांकि हमने देखा है कि राजस्थान जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है बहुत एग्रेसिव है अपने आप को प्रमोट करने के, और टूरिज़्म पॉलिसी के जैसे उन्होंने फिल्म टूरिज़्म के ऊपर 2 crore के करीब ये इंसेंटिव जो है तब तक वो आपको दे दिया, क्या मार्केटिंग के लिए भी आप लोगों को कुछ ये एड या असिस्टेंस या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे? प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, पर एंड द काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, अगर आप पुराने एड्स देखे राजस्थान टूरिज्म के तो आपका मन करता था कि चैनल चेंज कर दूँ। अब आप जो एड्स देखकर, अभी अपन ही टीवी स्क्रीन पे शेयर कर रहे थे कि जो नया एड है कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि उस लड़की को फ्रैक्चर हो जाता है, वो राजस्थान में घूम रही है, ब्यूटीफुल एड, आई थिंक स्टिल दे कैन हैव द हनीमून। सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट तो है, एंड दे आर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स। टूरिज्म इज सपोर्टिंग दिस इवेंट, टूरिज्म इज सपोर्टिंग जीआईटीबी, दे आर सपोर्टिंग आरडीटीएम, दे आर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब आपको सामने कुछ परोसा जाएगा तो आपको हाथ बढ़ा के तो खाना ही पड़ेगा, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। विक्रमादित्य जी, आप करनी भवन से हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कुलदीप जी ने कहा, आप ठाकुर लोग होने के बाद भी 90% जो है, 95% जो है लोग आप बाहर पड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वापस आप आ गए। उसकी वजह है कि आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल है, और यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते हो। आपका अपना सेट माइंड डिफरेंट है जो पुराने लोगों के तरीके से, जैसे कुलदीप जी बार बार कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को आगे लाना है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे इन द करनी भवन या आप अपने जो हैं जितने भी हैं उसको किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? जी सर, मैं आपको और सुनूंगा। मैं मेयो कॉलेज में सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह साहब और उन आरडीटीएम टीम को जिन्होंने बहुत ही उमदा प्लेटफॉर्म रखा इस बार, एंड इट इज आउटस्टैंडिंग दिस ट्रेड फेयर व्हिच आई हैवंट सीन इन लास्ट 20 इयर्स। That I've been attending. Very good. That's what my observation is. Now, when I went, I studied in Mayo College, then I went initial schooling in England.
बट मेरे पिताजी और मेरे माताजी का आदर ये था कि भले ही पैसा लगेगा पर साल में दो छुट्टियां तो तुम्हें घर घर बितानी है. सो दैट द ट्रेडिशन कल्चर डजंट गो ऑफ. वेरी गुड. वंस द ट्रेडिशन कल्चर डजंट गो ऑफ फ्रॉम अ यूथ देन ही और शी. आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि बच्चों बाहर जा रहे हैं. 90% ऑफ द चिल्ड्रन आर गोइंग विद दैट मेंटेलिटी मैं बाहर ही सेटल हूँ. हाँ यस. एंड दैट मेंटेलिटी didn't come into the generation of myself and Abhijit. But I'll cut you there. I never studied abroad. I was fortunate. I call myself fortunate enough to study in India because I remember when I was preparing for my CAT, and that time to get admission in the top 10 MBA institutes in India was tougher than going abroad. Yeah. Right. So I got through IMI. Indian that education time, system is IMI, very good. IMI, National Management Institute, and they were ranking top 12 or top 15 for the last year. Very nice. So my concept was to study in India and I never wanted to go abroad also to study in. लेकिन क्या आपने parents ने कभी आप भी बाहर जाओ पढ़ो जरूर कहा होगा. When they told me this, I said the amount of money you will spend on sending me abroad and getting me back, rather give me that money, I'll do some business. That was his other reason. He's here. He was here. Actually, businessman. So I think very good vision. Good I vision. I think the vision was maintained. Yeah. Then by then हमारी हेरिटेज होटलें शुरू हो गई थी तो वी वर सीइंग द डिफरेंस. एंड मेरे पिताजी या माता जी ने तो कोई IHM से कॉलेज यानी करी या वहाँ से कोई डिग्री प्राप्त नहीं करी. आई डोंट थिंक कुलदीप सिंह साहब ने भी कोई IHM से करी ना रणधीर विक्रम सिंह जी ने करी होगी. बट दे स्टिल सेट अप वेरी सक्सेसफुल हेरिटेज होटल एंड हेरिटेज इंडस्ट्री. एंड दिस वॉज समथिंग दैट वॉज ऑलवेज हमारे अंदर एक इट वॉज इनकल्केटेड इन अस. हमें हमारा डाला हुआ था कि हम तुम्हें भेज रहे हैं बाहर पढ़ाई करने वहाँ का ज्ञान लेने पर अपने कल्चर और सभ्यता मत भूलो. वेरी गुड. मुझे एक दिन भी याद नहीं है कि कभी मैंने टाई और सूट पहना होगा कोई फॉर्मल ओकेजन में इंग्लैंड के अंदर. ऑन द कॉन्ट्ररी जब मुझे बुलाया गया था लेट महारानी क्वीन एलिजाबेथ के एनक्लोजर में रॉयल एस्कट में तो वहाँ पे भी मैं मेरे दादाजी की वो ड्रेस पहन के गया था जब वो महाराजा उमेश सिंह जी के ADC थे और उसी महारानी एलिजाबेथ के फादर के कॉरोनेशन में गए थे. वेरी गुड. एंड आई वोर द सेम सेरेमोनियल शेरवानी जोधपुर एट साफा. And कल्चर और सभ्यता जो हमारे अंदर डाली गई है माता पिता से दिस इज समथिंग विच इज टेकिंग अ हेरिटेज फॉरवर्ड. कमिंग अबाउट द वेडिंग्स की जो आप बात कर रहे हैं अब सबसे ज़्यादा लोग वेडिंग्स क्यों करना चाहते हैं हेरिटेज होटल्स में क्यों पैलेस क्यों अभी तक हमारे घराने में वो ट्रेडिशंस फेस्टिविटीज़ है. कब गणेश जी को लाया जाता है कब गणेश जी के लाने के बाद कब उस दिन सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनेगा कब हल्दी होगी हल्दी के दिन और क्या फेस्टिविटीज़ होगी. राइट. फिर जैसे आप लोग कहते हैं मेहंदी हमारे यहाँ कहते हैं माय रात माया की रात के एक रात शादी के एक दिन पहले की रात. एंड सो ये एंड जिस ट्रेडिशन से हमारे फेस्टिविटीज होती है नाउ आई थिंक द अदर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हु हैव द डिस्पोजेबल इनकम दे आल्सो वांट टू इम्पर्सनेट द सेम फेस्टिविटीज सो दैट दे आल्सो गेट दैट फीलिंग दैट हाँ हमने ट्रेडिशनल तरीके से कर ली. ये तो पहले क्या होता था सर एक गार्डन में शादी होती थी दूसरे दिन ताज पैलेस या मौर्य शेरेटन में हनीमून कपल रिसेप्शन एंड दैट्स डन. करेक्ट. या आई थिंक इट इज द बेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं तो बहुत ही आभारी हूँ मेरे माता पिता का कि उन्होंने ये सभ्यता और ये ट्रेनिंग दी. एंड आज भी मुझे कोई पूछते हैं अभी भी मेरे बूथ पे कोई लोग आते हैं पूछ रहे थे कि आर यू द ओनर ऑफ दीज होटल्स. मैंने कहा नहीं माय पेरेंट्स ओन द होटल्स. आई एम वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमादित्य जी आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारा इतना रिच कल्चर है इतना रिच हेरिटेज है तो उसको हम आगे लेके जा रहे हैं वो आप लोगों की वजह से. आप लोगों ने ये जो RDTM शुरू किया या GATB भी जो शुरू किया चाहे वो इनबाउंड हो चाहे डोमेस्टिक हो लेकिन ऊपर ले जाने के लिए सारे जितने आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है. जब तक हम आप लोगों से मिलेंगे नहीं
जब तक एग्जीबिटर और सेलर आपस में और बायर आपस में मिलेगा नहीं, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो उसको आगे बढ़ाना हम लोग हमारे लिए भी एज ए बायर, हमारे लिए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, एज ए स्टेक होल्डर, एज ए टूर ऑपरेटर। तो आप लोगों की वजह से जो है बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और मैं बार बार कुलदीप जी को याद करता हूँ और कि RDTM को ले जाने के, जब भी मैं यहाँ पे अंदर घुसा हूँ तो एकदम से ऐसे लगता है कि किसी हम मेले के अंदर घुस रहे हैं। हाँ जी। तो ये मेला जो लगता है, मेला का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से हमने प्रमोट करना है, इंटरेस्टेड है बात कर रहे हैं। इस पे मैं आपको बताऊंगा सर कि वो दो तीन बूथ पे जब मैं गया कल शाम को, उन्होंने कहा सर शाम तो सुबह से लेकर 750 लोग आ चुके मेरे यहाँ। वेरी गुड। विजिटिंग कार्ड्स बताए मेरे को इतने सारे। मैंने कहा कमाल है, वेरी गुड। फिर हम और भी जगह गए, सब जगह, एक जगह हम गए तो वहाँ थोड़ा सा निगेटिव था क्योंकि टाइम नहीं था और वो लोग बिना सूचना दिए लास्ट मोमेंट पे आए थे कुछ लोग, तो उनका वो पीछे पैनल वगैरह उस हिसाब से तैयार नहीं था। मैंने उनकी नाराज़गी सुनी और रात को टीम को बुलाया और रात रात उनके एरिया का पैनल तैयार करा के लगवा दिया। सुबह जब आए तो देवर क्वाइट सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज। सो जब मैं सुबह गया सर मजा करा दिया आप तो माने, मैं कहा ठीक है आनंद करो। तो यही आई कम टू योर पॉइंट सर अबाउट टैक्सेशन, जीएसटी इंसेंटिव। हमने हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM साहिबा जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, हमने उनको भी लिखा है, हमने सेंटर को भी लिखा है कि GST काउंसिल में आप इस बार ये बात उठाएं कि जो फूड के ऊपर होटल्स में 18% GST लग रहा है उसको आप 12% पे लाएं, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का जो 5% है उसको आप 12% पे ले जाएं, सो दैट इनको भी ITC में इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिले। और जो वेडिंग्स है हो रही हैं उसके ऊपर 18% GST बहुत ज़्यादा, आप उसको 12% करिए, ताकि है कि लोग फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट की वेडिंग नहीं करके प्रॉपर व्हाइट में वेडिंग करें। बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। चौथी चीज़ ये है कि सर जो प्रधानमंत्री साहब का विजन है कि साहब वेड इन इंडिया, तो बाहर से कोई शादी करने इंडिया आ रहा है उसके लिए आप GST माफ़ कर दीजिए। यस, वेरी गुड। क्योंकि आज हम विदेश जाते हैं, शर्ट भी खरीदते हैं तो एयरपोर्ट पे हमको वापस का टैक्स मिल जाता है, वैट मिल जाता है, तो हम क्यों जाती कर रहे हैं? हम भी ऐसा करेंगे, जो इंडिया वाला बाहर जाके शादी कर रहा है वो भी यहाँ रहेगा तो उसको भी एक इंसेंटिव मिलेगा, 18% नहीं देके 12% दे रहा है। जो बाहर से शादी कर रहे विदेशी यहाँ आएगा या NRI यहाँ शादी करने आएगा उसका GST आप माफ़ कर दीजिए, अभी 5-10 साल के लिए कर दीजिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो कोचेज वगैरह थी जिनके ऊपर खड़े ऊपर टैक्स लग रहा था नहीं, तो उसके ऊपर भी सरकार ने टैक्स माफ़ किया था, क्योंकि जो जस्टिफाइड नहीं उसका वो नहीं लेते। राजस्थान गवर्नमेंट इस मामले में बहुत क्लियर रही, पहले वाली रही अभी वाली भी, उनको जब लगा कि ये होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, एसोसिएशन वाले आए हैं, ये राय दिए, तो उसको वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपके, हाँ जी, और हम बहुत लकी हैं राजस्थान वाले कि जो ये बॉम्बे दिल्ली का जो रूट बना है, जो लाइफलाइन बनने वाली है, वो भी राजस्थान होकर निकल रहा है, एंड बूंदी भी आ रहा है, कोटा भी जा रहा है, स्वामीमाधोपुर दौसा, एंड वी वेरी लकी कि ये जो नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं रोड नेटवर्किंग का, बिल्कुल बहुत अच्छा, उससे बहुत फायदा मिलता है। तो पहले आते थे गेस्ट, दे यूज्ड टू कम सो टायर्ड टू द होटल, रास्ते में खड्डे वड्डे ये वो, कि सारी कंप्लेन होटल पर ही निकलती थी। सेकेंडली वंदे भारत ट्रेन है, अभी उन्होंने उदयपुर से आगरा कनेक्ट किया है, विच आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन इन द होल कंट्री। तो उदयपुर से आगरा एक नई वंदे भारत शुरू हो गई, शुरू हो गई, बूंदी भी रुकने लग गई, स्वामीमाधोपुर रुकने लग गई, स्वामीमाधोपुर एंड कोटा तीनों जगह स्टॉप है। सो दीज थिंग्स जो इनडायरेक्ट सपोर्ट की मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट का बहुत रहता है, और मेहनत तो फिर जो ओनर है बिजनेस का उसको करनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके माध्यम से हम, आप क्योंकि गवर्नमेंट में टच में हैं, जैसे एक वेडिंग प्लानर जो नॉन राजस्थान से, हम दिल्ली बॉम्बे से आते हैं, हम लोग को स्टेट इनपुट क्रेडिट नहीं देता है, हमको रूट करना पड़ता है लोकल एजेंट से। तो ये एक हम फेथ के माध्यम से ऑलरेडी बड़ा एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट बिलिंग, अगर फॉर एग्जांपल एनी होटल बिल्स मी फॉर अ वेडिंग, तो हमारे को इनपुट क्रेडिट मिल जाए, वो अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इतने टैक्सेशन की बातें करें, ये भी एक प्लीज ऐड करिए, जरूर कर रहे हैं, हम अपने थ्रू तो कर ही रहे हैं, तो अगर आप करें तो ताकि ज्यादा से ज्यादा बाहर से शादी यहाँ आए, हम तो चाहते हैं। जो हमारे आंसर रह गए कि रिगार्डिंग इंसेंटिव फॉर वेडिंग एंड दीज मॉन्यूमेंट्स, इफ सम पोर्शन कैन बी गिवन फॉर अवर वेडिंग्स। आपको बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रॉब्लम ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जितनी हैं, जो पैलेसेज है, जो आमेर में वेडिंग करना चाहते हैं आप, तो नहीं पॉसिबल है,
उसका कारण है कि आर्कियोलॉजी के पास है। अब हम सरकार से, जब हम सरकार से इतनी चीज़ें समझा के और हम करवा पाएँ तो ये भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर ये पूरा पैलेस नहीं दे सके तो एक छत दे दे जहाँ से पूरा बैकड्रॉप मिल जाए, इतना दे दे, एक कोना दे दे और एक पूरी छत दे दे, ताकि उससे क्या कि आपके फंक्शन भी हो जाए, बैकड्रॉप भी हो जाए और प्री वेडिंग वेडिंग शूट वहाँ हो जाए। करेक्ट। और उसके चार्जेस ले लें, सर्टेन अमाउंट शुड गो इनटू दैट प्रॉपर्टी ओनली, प्रॉपर्टी ओनली, करेक्ट, गिविंग चार्जेस इज नो प्रॉब्लम। आई एम डूइंग अ वेडिंग इन गोवा, वो लड़की यहाँ चाहती थी, कहती भैया मेरे को वेडिंग पैलेस में करनी है। मैं कहा बेटा पैलेस तो तुम्हें मिल नहीं सकता, बट आई कैन गिव यू अ स्मॉल कॉर्नर, क्या था इट्स गुड। तो वो एक एम्बियंस होता है, फीलिंग होती है, आप पैसे लीजिए, पैसे देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप जयपुर सिटी पैलेस है, उदयपुर सिटी पैलेस है, जोधपुर उमेद भवन पैलेस है, रामबाग पैलेस है, ये सारे पैलेसेज हैं, इनमें शादियां हो रही हैं, पीपल आर पेइंग, बिग फैट वेडिंग। आप इसलिए देखिए रामबाग में शादियां इतनी पॉपुलर की, उन्होंने पूरी एक नई विंग बना दी समय मान महल की, रामबाग है ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था, अगर सुविधाएं होगी तभी चीज आएगी, और जब होटल वाला कमाएगा तभी होटल पे लगाएगा। बिल्कुल। रामबाग ने कुछ कमाया होगा तभी तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, उसी तरीके से बाकी होटल्स भी करती हैं। तो ये तो गिव एंड टेक वाला मामला है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप तो लेके आइए शादियाँ सर, हम कोशिश करेंगे, हम अगर टैक्स की रियायत नहीं करवा पाए या आर्कियोलॉजी साइट नहीं करा पाए, हमारे पास दूसरी साइट्स बहुत है, हम आपको दूर से क्रिएट करके बता देंगे। और शादियाँ राजस्थान में लेके कुछ थोड़ा सा क्योंकि यू आर गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, दे हैव गिवन यू इंडस्ट्री स्टेटस, जैसे हम लोग को मोटिवेशन इनकरेजमेंट है आउटसाइड टूरिज्म बोर्ड से, आप हमारी कंट्री में आइए, वेडिंग आपको इंसेंटिव देंगे। अगर आपकी स्टेट सम फॉर्म ऑफ इंसेंटिव फॉर वेडिंग प्लानर्स कर पाएं तो दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज इस बार का थीम भी हमारा वेडिंग्स पे फोकस है। इफ़ यू कैन टेक आवर मैसेज फॉरवर्ड वी विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर्स ऑफ ADTOI। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ सर, सरकार से काम करवाने के लिए आप भी दिल्ली में भी करवा सकते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी सर, जब किसी काम के लिए पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल दोनों का समानता आ जाएगी, जब दोनों एक लेवल पर आएंगे तब जाके काम धड़ाधड़ हो जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं और पॉलिटिकल विल है तो एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। और इसलिए दोनों का साथ होना जरूरी है। हमने पिछली सरकार में भी देखा था, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब थे, अब रिटायर हो गए, निरंजन आर्या साहब, उनको हमने बताया सारी हमारी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने सरकार को समझाया, सरकार की पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल बनी तो हमें इंडस्ट्रियल स्टेटस मिल गया। प्रेजेंट में हम डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, पहले गायत्री राठौड़ जी थी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अभी रवि जैन साहब हैं, और रवि जैन साहब जिस उत्सुकता के साथ, जिस क्यूरियोसिटी के साथ हर चीज़ समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कमाल का है। और उनका बेनिफिट ये भी कि वो UDH में, JDA में सब जगह रह चुके, तो उनको सब पता है, तो हमारी जो बातें हैं उनके तुरंत समझ में आ रही है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो जाएगी और पॉलिटिकल विल है ही है, दोनों का समावेश हो जाएगा, हमारे काम वैसे हो जाएंगे। चलो, मैं धन्यवाद करूंगा कुलदीप सिंह चंडेला जी का, जो हमारे प्रेसिडेंट है FHTR के और RETM, पर्टिकुलरली एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है कि आप लोगों की वजह से आज हम डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत ऊँचा लेके जा रहे हैं। और जो हमारी जितने भी एग्जीबिटर्स और बायर्स की जो मीटिंग्स हो रही हैं बहुत सिंसेरिटी के साथ हो रही हैं, वो आप लोगों के एफर्ट्स हो रहे हैं। और जितने भी एग्जीबिटर्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, जिनसे भी मैं मिला हूँ, वो मिल के चाहते हैं कि किस तरह से हम आपस में मिल के काम करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, MOU साइन भी हो रहे हैं कईयों के साथ, तो ये एक बड़ी अच्छी है। तो ADTOI की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप तीनों का, आपका विक्रमादित्य जी, कि आपको हम बहुत बेस्ट विशेज देते हैं, किस तरह से आप लोग एज ए यंगस्टर्स इसको और ऊपर लेके जाएं, विद द सपोर्ट ऑफ, विद द असिस्टेंस, विद एवरीथिंग, विद द गाइडेंस, विद द गाइडेंस, मेनली विद द गाइडेंस ऑफ कुलदीप सिंह जी, जैसे स्टालवर्ड है हमारे यहाँ, हमारे इन्होंने जितनी भी हमारे सारे स्टालवर्ड्स की भीम सिंह जी से बात शुरू की, फिर हमारे नंदीर सिंह जी से बात की, बाप जी की बात तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। किस अच्छा मैं बताने बोल गया, बाप जी महाराज जोधपुर गत सिंह साहब हमारे चीफ पैटर्न भी FHTR के, और अच्छा, वो पधारने वाले भी थे इस फंक्शन में, बट उनका साउथ में वो प्रोग्राम है IHH का, इसके वो प्रेसिडेंट ऑनर भी है, तो वहाँ जाना भी था। और उनकी सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताता हूँ महाराजा जोधपुर की, अगस्त में जब हम इसका फाइनल किया था हमने, जून 29 मई को हम जोधपुर में थे, और हिजानियस ने ही वहाँ डेट डिक्लेयर करी थी हमारी 13, 14, 15 सितंबर को RDTM जयपुर में होगा, हिजानियस ने डिक्लेयर कर दिया। और उसके थोड़े दिन बाद डेट आ गई थी IHH की, यही डेट आई थी 9, 10, 11। मैंने तुरंत बाबजी को मैसेज किया और ऑफिस में बोला मैं, और गत सिंह साहब अलसी सर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी बोला, मैंने कहा सर तो मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा हमारे तो चीफ पैटर्न नहीं आ पाएंगे, आप अपनी तारीख आगे पीछे करो। ग्रेटनेस ऑफ HH जोधपुर कि उन्होंने उसको 18 तारीख कर दिया। वेरी गुड। तो राजस्थान के जो हेरिटेज होटेलियर्स हैं वो यहाँ रुक पाए, नहीं तो सब वहाँ चले जाते। करेक्ट, बिल्कुल है ना। हिजानियस नहीं पधार पाए, उनका आशीर्वाद पूरा हमारे साथ है, उनका पूरा मैसेज भी आया, सब आया, अगली बार पधार जाएंगे कोई बात नहीं, बहुत ही कृपा रहती है हमारे ऊपर।
तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे ऊपर कि ये था। और ADTI का सर मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने आपसे निवेदन किया था, आपने पूरी लिस्ट भेजी हमारे को, आपने अपने सारे मेंबर्स को हमारे बारे में बताया ADTI, और उसी कारण आज इतनी बड़ी संख्या में सब बायर्स आए हुए हैं और सारे एग्जीबिटर्स बड़े खुश हैं। तो धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद काम करते रहे। आप यहाँ पे आए, आपने हमारे को बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। अरे सर, और हमें हमारी पूरी उम्मीद है कि हम ADTI के साथ मिलके आपको जितना भी है हम आपस में मिलके कोलैबोरेट करके इसको बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।